हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के ही इमेज सेगमेंटेशन के पार्ट को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इमेज सेगमेंटेशन क्या होती है। तो इमेज सेगमेंटेशन बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें होता क्या है कि एक इमेज को, जैसे कि ये इमेज है, इसको वेरियस रीजंस में हम डिवाइड कर देते हैं। और उस रीजन में डिवाइड करते हैं किस बेसिस पे, पहला तो ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद सेगमेंटेशन करते हैं। ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे जैसे कि ये पेड़ हो गए, ये जो ये पाथवे है, रोड है, ये बिल्डिंग वाला एरिया है, ये ग्रासेस है, तो ये सारे हमने ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज कर लिए। अब इन ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये वाले जो पार्ट है इसको बिल्डिंग हमने बोल दिए, ये सारे ट्रीज हैं, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट जो कि सिमिलर काइंड के हैं उनको डिवाइड कर देना डिफरेंट रीजंस में, ये इमेज सेगमेंटेशन कहलाता है। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में जो है इमेज सेगमेंटेशन की जो को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो डिसकंटिन्यूटी के बेसिस पे और दूसरा सिमिलैरिटी के बेसिस पे। तो डिसकंटिन्यूटी और सिमिलैरिटी क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे एक इमेज है, ठीक, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाला पिक्सल है, यहाँ पे ये इमेज है जहाँ पे ये छोटा ब्लैक स्पॉट है, इसको अगर जूम लेवल पे देखें, पिक्सल लेवल पे, तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आती है, जहाँ पे इंटेंसिटी चेंज होती है। इंटेंसिटी कहाँ चेंज होगी, बाउंड्रीज पे, बाउंड्रीज पे इंटेंसिटी चेंज होती है, जैसे यहाँ डार्क टू लाइट की तरफ शिफ्ट हो गई है इंटेंसिटी, तो ये जो है डिसकंटिन्यूटी को दिखाता है। सिमिलैरिटी कहाँ पे होती है, जहाँ पे इंटरनल पिक्सल शेयर द सेम इंटेंसिटी, जहाँ पे सेम इंटेंसिटी के, जैसे स्पॉट के अंदर वाले जो पिक्सल्स है वो सेम इंटेंसिटी के हैं, एक जैसे पिक्सल शेयर कर रहा है अगल बगल वाले सारे, ये सिमिलैरिटी को दिखाता है। तो डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन मेथड्स है सेगमेंटेशन के, पॉइंट डिटेक्शन, लाइन डिटेक्शन और एज डिटेक्शन। इनका काम क्या होता है कि जहाँ पे शार्प चेंज आया हो इमेज में, इंटेंसिटी में, उसको रिप्रेजेंट करता है ये, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। और सिमिलैरिटी क्या करती है, जो सेम काइंड ऑफ पिक्सल्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए जो मेथड्स है वो थ्रेशोल्डिंग, रीजन ग्रोइंग, रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग, ये सारे सिमिलैरिटी को दिखाने वाले मेथड्स है। तो उसके बाद हम सिमिलैरिटी वाले जो पहला मेथड था पॉइंट डिटेक्शन, इसकी बात करते हैं। तो पॉइंट डिटेक्शन में कहा गया है कि व्हेन अ डिसकंटिन्यूटी टेक्स प्लेस इन एन इमेज दैट जस्ट यूज टू शो अ सिंगल पॉइंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल पिक्सल वैल्यूज, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो ये इमेज देख रहे हैं आप पहली वाली, ये एक एक्सरे इमेज है टर्बाइन ब्लेड की और इसमें पोरोसिटी है, और इसमें इसकी जब लाप्लाशियन इमेज में इसका कन्वर्जन हुआ तो यहाँ पे जो पोरोसिटी है ये एक पॉइंट सिंगल डिटेक्ट हुआ यहाँ पे, और इसकी फिर थ्रेशोल्डिंग की गई, और आफ्टर थ्रेशोल्डिंग जो है ये बाकी सारे सिंगल पॉइंट, तो ये सिंगल पॉइंट जो है बाकी सारे पिक्सल से अलग है, तो ये आफ्टर थ्रेशोल्डिंग जो है इजिली डिटेक्ट हो गया है। तो पॉइंट डिटेक्शन के कर्नल में क्या होता है, जैसे कि ये कर्नल है, इसका यूज किया जा रहा है इमेज पिक्सल्स के ऊपर मास्किंग करने के लिए। इसमें जो मास्किंग वाला पिक्सल होता है, जो कि हम पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो ये सेंटर वाला पिक्सल हाईली इफेक्टिव होता है पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए, और ये सेंटर पिक्सल जो है अक्सर जो है ये इसके जो सराउंडिंग वाले पिक्सल है इनके सम के इज इक्वल टू होता है, और जो है पॉइंट डिटेक्शन में जो है लैप्लासियन मास्क का यूज होता है। तो लैप्लासियन मास्क की हेल्प से जो है इमेज में पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि बाकी सारे फीचर से अलग आ रहा हो। इसके बाद जो अगला मेथड था डिसकंटिन्यूटी का वो था लाइन डिटेक्शन। लाइन डिटेक्शन में क्या होता है, ये सिमिलर होता है पॉइंट डिटेक्शन के, पर पॉइंट क्या था कि एक सिंगल पिक्सल को सिंगल पॉइंट को डिटेक्ट करता था, पर लाइन डिटेक्शन जो है ये परफॉर्म किया जाता है यूजिंग द मास्क दैट हैज द शेप लुक सिमिलर टू द पार्ट ऑफ लाइन। इसमें जो मास्किंग कर्नल्स यूज किए जाते हैं उसका जो कुछ पार्ट है वो लाइन के सिमिलर दिखना चाहिए, और लाइन में भी क्या हो सकता है, लाइन में भी सेवरल लाइन्स, लाइन जो है वो सेवरल डायरेक्शन में हो सकती है किसी इमेज में, तो इसीलिए अगर सेवरल डायरेक्शन की लाइन डिटेक्ट करने के लिए चार तरह के कर्नल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो चार डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल, +45 डिग्री, वर्टिकल और -45 डिग्री। ये इसको एग्जाम्पल से देखें तो जैसे कि ये एक इमेज है और इसमें ये यहाँ पे ये जो लाइंस दिखाई गई हैं ये लगभग हर डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, +45, -45 सारी डायरेक्शन में। तो इस इमेज पे जब हम अपने मास्किंग कर्नल्स के साथ इस इमेज को प्रोसेस करेंगे, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल वाले के साथ अगर प्रोसेस किया तो ये हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है ये डिटेक्ट होके आ जाएगी, वर्टिकल कर्नल के साथ प्रोसेस किया ये वर्टिकल वाली लाइन जो है डिटेक्ट होके बाहर आ जाएगी, -45 वाले के साथ करेंगे तो
तो जो -45 डिग्री वाले डायरेक्शन में है वो सारी लाइंस डिटेक्ट होके आ जाएंगी आफ्टर थ्रेशोल्डिंग। और अगर आप इनके कर्नल्स में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये मिडिल वाले पार्ट ये सारे सेम है, +45 में आप देख सकते हैं ऐसे ये सारे कर्नल्स एक स्लैंट लाइन को शो करते हैं, ये वर्टिकल लाइन वर्टिकल मास्किंग के लिए कर्नल्स हैं, ये -45 वाले कर्नल्स हैं। तो इन कर्नल्स की हेल्प से जो है डिफरेंट डायरेक्शन में इमेज में से जो है लाइन फीचर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे मेथड जो कि एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन में क्या होता है, पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो एज डिटेक्शन के लिए जो मास्किंग कर्नल्स है वो इमेज में कैसे अप्लाई किए जाते हैं, या बाकी कर्नल्स भी जो है एज डिटेक्शन के पर्पस से जो है इमेज में कैसे अप्लाई किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इमेज है, इमेज के पिक्सल्स है और ये कर्नल है। तो इस कर्नल को जब इमेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x3 का कर्नल है, तो एक बार में ये बस इमेज के इस पोर्शन में फिट होगा, अगली बार में ये इमेज के अगले शिफ्ट करेंगे इसको तो ये अगला वाला 3x3 में फिट होगा, और उसके बाद और इमेज को शिफ्ट करेंगे तो ये अगला 3x3 में शिफ्ट होगा। तो एक बार में जो है एक पिक्सल जो है ये -1 के बिलो में जो है 0 आएगा, 0 के बिलो में 25 आएगा, 1 के बिलो में 75 आएगा। तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं प्रॉपर, 0 × -1 +25 × 0 75 × 1, जिसके बिलो में जो मास्किंग कर्नल की वैल्यू आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और उन सारी वैल्यूज का समेशन होगा। उसके बाद फाइनल जो आउटपुट आएगा वो हमारा सेंटर वाले जगह पे चला जाएगा, सेंटर वाले पिक्सल्स पे। ऐसे ही इस मास्किंग कर्नल को इमेज के ऊपर शिफ्ट करते करते ये सारी वैल्यूज जो है हमें सेंटर वाली मिल जाएंगी। तो आफ्टर मास्किंग क्या होगा, इमेज की साइज छोटी हो जाएगी क्योंकि ये किनारे वाले जो पिक्सल्स हैं इनकी वैल्यूज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इनके लिए भी सराउंडिंग में 3x3 होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने कॉन्वोल्यूशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सराउंडिंग वाले पिक्सल्स की भी वैल्यूज चाहिए होती है, तो हम पैडिंग टेक्निक का यूज करते हैं, इसमें सराउंडिंग में और एक रो या कॉलम ऐड करते हैं। तो इस मेथड से जो है इमेज की मास्किंग होती है कर्नल्स के साथ। तो इसके बाद बात करते हैं हम एज डिटेक्शन में जो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्नल्स यूज होते हैं और उनकी हेल्प से कैसे आउटपुट जनरेट होके आता है। जैसे कि एक इमेज रिप्रेजेंट की गई है यहाँ स्क्रीन में जिसपे हमें एज डिटेक्शन अप्लाई करना है। तो जो सबसे पहला मेथड यूज करेंगे हम ये है रॉबर्ट मेथड। तो रॉबर्ट मेथड का जो कर्नल है यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, 2x2 के कर्नल भी इसमें यूज किए जा सकते हैं क्योंकि एक सिंपल मेथड है एज डिटेक्शन का। 3x3 के भी कर्नल्स यूज किए जा सकते हैं और इसके आउटपुट में जो है ऐसी इमेज एज डिटेक्ट होके आएगी। और उसमें बेसिकली होता क्या है कि इमेज में सबसे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे होती हैं एजेस पे होती हैं तो वो सारे डिटेक्ट होके आ जाते हैं। उसके बाद ऐसे ही सेम ओरिजिनल इमेज को अगर हम सोबेल कर्नल के साथ अप्लाई करें तो सोबेल कर्नल की हेल्प से जो है ओरिजिनल इमेज का आउटपुट इस फॉर्म में आता है और इसमें भी जितने हाई ग्रेडियंट वाली वैल्यूज हैं वो सारे एजेस डिटेक्ट होके आ जाते हैं वापस। के बाद अगला जो कर्नल है वो है प्रिविट कर्नल। तो प्रिविट कर्नल अप्लाई करने के बाद जो है इमेज में कुछ ऐसे एजेस डिटेक्ट होके आते हैं और इसमें जो होता है सोबेल और से पहले हमने पढ़ा था रॉबर्ट, सोबेल और रॉबर्ट्स के कंपैरिजन में प्रिविट कर्नल में जो है थोड़े बहुत नॉइजेस अवेलेबल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं किश्ट कर्नल की। तो किश्ट कर्नल जो है ये एक सिंगल मास्क को जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जो 8 डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये जो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है ओरिजिनल इमेज को इन सारे डायरेक्शन में उस मास्क के साथ प्रोसेस करके ये फाइनल जो है एज डिटेक्ट हो गया आउटपुट के रूप में दिखता है। इसके बाद जो अगला मेथड है एज डिटेक्शन का रॉबिन्सन कर्नल की हेल्प से, ये भी जो है सिमिलर टू किच एज डिटेक्शन मेथड जैसा है, बस इसमें होता है कि ये उससे थोड़ा सिंप्लीफाइड है क्योंकि अगर इसमें हम कर्नल की वैल्यूज देखें तो ये 3, 5 जैसे वैल्यूज के बीच में रेंज्ड है और इसमें जो है 0, 1, 2 इन्हीं के बीच में स्पेसिफाइड है वैल्यूज। तो इस कर्नल के साथ में इमेज को प्रोसेस करना थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो आफ्टर यूजिंग रॉबिन्सन कर्नल जो इमेज के एज डिटेक्ट होके आते हैं उसका आउटपुट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और इसमें भी जो है इमेज को हर एक डायरेक्शन में इंडिविजुअली मास्क करके प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है LOG। LOG मतलब हो गया आपका लैप्लाशियन ऑफ गॉशियन। और इस मेथड को यूज करने से जो है दो इफेक्ट होते हैं, पहला तो ये इमेज को स्मूद करता है और आफ्टर स्मूदनिंग ये लैप्लाशियन जो है ये कंप्यूट करता है। लैप्लाशियन जो है बेसिकली ये बताता है
कोई पिक्सल जो है जनरली वो डार्कर साइड ऑफ एज में है या लाइटर साइड ऑफ एज है। के बाद जो अगला मेथड है वो है मार हिल्डरेथ का मेथड एज डिटेक्शन के लिए। और इस मेथड में भी क्या होता है, ये बेसिकली जो एलओजी मेथड के बारे में हमने पढ़ा, सेम मेथड को यूज करके उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करके मार हिल्डरेथ के मेथड से जो है एज डिटेक्ट किए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पहले गॉशियन का यूज करके इमेज की स्मूदनिंग करते हैं, फिर एक टू डायमेंशनल लैप्लाशियन को अप्लाई करते हैं स्मूथ इमेज पे। उसके बाद जो रिजल्ट आता है लैप्लाशियन अप्लाई करने के बाद, उसके बाद रिजल्ट में साइन चेंजेस को देखते हैं। अगर साइन चेंजेस प्लस द स्लोप होता है तो अक्रॉस द साइन चेंजेस ग्रेटर देन सम थ्रेशोल्ड मार्क एज एन एज, तो उसको एज अ एज मार्क कर देते हैं जहाँ पे वो साइन चेंज जो है थ्रेशोल्ड से ग्रेटर होता है। ये जो है मार हिल्डरेथ के मेथड से एज डिटेक्ट होके आते हैं। इसके बाद जो अगला मेथड है वो कैनी मेथड, और कैनी एज डिटेक्शन मेथड जो है एक स्टैंडर्ड एज डिटेक्शन मेथड है। और इसकी एक खासियत ये है कि ये इमेज में जो है एजेस फाइंड करता है नॉइजेस को रिमूव करते हुए, पहले नॉइजेस रिमूव करता है उसके बाद एजेस को फाइंड करता है। और ये बिना इमेज को जो है डिस्टर्ब, इमेज को ओरिजिनल फीचर में बिना डिस्टर्बेंस लाए इमेज में एज डिटेक्ट करने का काम करता है। ये जो है कैनी मेथड से जो है एज डिटेक्ट हो गया है। और इसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम एजेस जो है इमेज में डिटेक्ट होके आई, यहाँ तक कि ये क्लाउड के जो शेड चेंज हो रहा है ये एज भी डिटेक्ट होके आ गया। बाकी में अगर आप देखेंगे बाकी इमेजेस में तो ये एजेस नहीं है, जो ये छत वाले एजेस हैं ये सारे मिसिंग है। तो कैनी मेथड में आप देखेंगे मैक्सिमम एजेस जहाँ पे इंटेंसिटी चेंज हो रही है वो सारे डिटेक्ट होके आ गए हैं। तो ये सारे मेथड थे जिनके बारे में अभी हमने बात की, ये सारे डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने वाले मेथड थे। इसके बाद जो है हम सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करने वाले मेथड की बात करते हैं। तो जो पहला मेथड है थ्रेशोल्ड मेथड है। थ्रेशोल्ड मेथड में क्या होता है कि हम इमेज को एक, जैसे कि यहाँ पे एक इमेज रिप्रेजेंट की गई है जो कि एक 8-bit की इमेज है, हैविंग अ 256 ग्रे स्केल वैल्यूज इनसाइड द इमेज। और यहाँ पे इमेज की हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट की गई है जहाँ पे यहाँ 0 to 255 जो है ग्रे स्केल कलर शेड जितने हैं फोटोग्राफ में वो रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे इमेज की इंटेंसिटी। तो थ्रेशोल्ड मेथड में क्या होता है, बेसिकली ये जो 256 कलर्स है ग्रे स्केल में, इसको हम बस दो वैल्यूज में डिवाइड कर देते हैं, ओनली टू वैल्यूज, 1 and 0, बाइनरी कलर्स में ब्लैक एंड व्हाइट। तो अगर इसका आउटपुट को देखें तो यहाँ बस दो वैल्यूज आ गई हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। जिस इसमें हुआ क्या है, सिमिलर वाले जो फीचर्स है सेम काइंड ऑफ वैल्यूज जहाँ है इमेज में वो सारे एक साथ कंबाइन कर दिए गए हैं, और उसके ऑपोजिटली जो वैल्यूज है उन सबको एक साथ कंबाइन कर दिया गया और इमेज जो है एक बाइनरी इमेज बन के आ गई जिसमें बस दो वैल्यूज है, 0 और 1, ब्लैक एंड व्हाइट को जो रिप्रेजेंट करते हैं कलर्स। के बाद अगला जो मेथड है सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो है रीजन ऑफ ग्रोइंग। तो ग्रोइंग रीजन में क्या होता है, जहाँ पे आपको सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करनी है वहां पे सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा एक सीड पिक्सल जहाँ से ग्रोथ शुरू हो रही है, और उसके बाद उस ग्रोथ ग्रोन पिक्सल का जो है उस वो पिक्सल कौन कौन सी डायरेक्शन में जो है ग्रोथ कर रहा है आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें हम तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीड पॉइंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर ग्रोथ का क्राइटेरिया डिफाइन करना है, फिर जितने भी वॉक्सल्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं सीड के थ्रू उनकी ग्रोथ डायरेक्शन उसको फॉलो करना है। और उसके बाद ग्रोथ को आइडेंटिफाई करने का जहाँ पे एंड आ जाता है, जहाँ पे कोई भी एडजेसेंट वॉक्सेल जो है ग्रोथ क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो वो सारे जो हो जाते हैं ये ग्रोथ रीजन आइडेंटिफाई करने का तरीका हो जाता है। और बेसिकली ये ग्रोइंग रीजन जो है इन सब की नीड कहाँ पे पड़ती है इमेज सेगमेंटेशन में, मेडिकल साइंसेज में इनका काफी यूज होता है, जैसे फैट को एनालिसिस करना है एक्सरे के थ्रू, उसकी इमेजेस को अगर एनालाइज करेंगे फैट को एनालाइज करने के लिए इन मेथड्स का यूज किया जा सकता है। और भी ब्रेन ट्यूबर जैसे केसेस में जो ब्रेन के ट्यूमर के एनालिसिस के लिए इन सबका यूज किया जा सकता है इन सारे मेथड्स का। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से इमेज सेगमेंटेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, इस वीडियो के रिव्यूज दीजिएगा कि आप सबको कैसे लग रहे हैं ये लेक्चर्स। तो आप सबका इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।